दो आप सबका यहाँ पर इस्तकबाल है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर सुनेंगे इंशाल्लाह। बहुत क्यूरियोसिटी भी होती है और काफी कम नॉलेज है बाहर की यूनिवर्सिटीज में, किस तरह अप्लाई करें, क्या प्रोसीजर होता है, हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो हमारे साथ आज जो हमारी स्पीकर जुड़ी हैं वो हमारी मदद करेंगी इस टॉपिक पर। शाजिया एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ट्रेनिंग इनकी एंथ्रोपोलॉजी में हुई है और इन्होंने पहल का मैगजीन जो है इसमें काम किया है और गुलेल एक वेब पोर्टल है इन्वेस्टिगेटिव, उसमें भी काम किया है। शाजिया ने एमफिल किया है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। तो हमें उम्मीद है कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो हम सबके जरूर काम आएगा। और ओवर टू यू शाजिया। बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन के लिए और मुझे टाइम देने के लिए भी। तो ये मैंने एक छोटा सा बस प्रेजेंटेशन तैयार किया है क्योंकि मुझे लगा जब मैं अप्लाई कर रही थी सबसे ज़्यादा मदद मुझे इस चीज़ से मिली कि मैं और मेरे कुछ दोस्त थे जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे बाहर, और उन दोस्तों ने अपने प्रोफेसर से या अपने जान पहचान के लोगों से बातचीत की थी जो ऑलरेडी बाहर पढ़ चुके थे। तो क्योंकि हमें ये अंदर की बात पता थी, हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा आसान हो गई। और ये चीज़ मुझे लगता है अगर और लोगों को पता चलेगा, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें पता हो, तो लेकिन इससे थोड़ी आसान हो जाती है एप्लीकेशन प्रोसेस। और एक बार आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटी सिस्टम भी बहुत अलग होती है, तो उसमें भी थोड़ा एडजस्ट करना, क्या मुश्किलें हैं, क्या चीज़ें आसान हैं, ये सब जानने के लिए एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो सबसे पहले अप्लाई करने के पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आपकी टॉपिक क्या होगी ना, और आपका प्रोग्राम क्या होगा, कौन सा डिपार्टमेंट होगा। तो इसमें शुरुआत तो इसी चीज़ से होती है कि मेरी इंटरेस्ट एरिया ये है। मान लीजिए मुझे कास्ट के ऊपर काम करना है, या मुस्लिम्स इन इंडिया, या पोलराइजेशन जो हो रहा है, उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है, ठीक है, आपकी वो टॉपिक। और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस भी किस चीज़ में है, क्योंकि देखिए मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन में अप्लाई करें, या पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करें, या सोशियोलॉजी में अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा या घर के लोग अप्लाई करते होंगे। पहली चीज तो आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो मान लीजिए जैसे मेरी एमफिल की थीसिस कास्ट में थी, तो पहले मैंने ये देखा कि और मेरा आई वाज श्योर कि मुझे एंथ्रोपोलॉजी ही पढ़ना है, क्योंकि मुझे एंथ्रोपोलॉजी का जो फील्ड रिसर्च मेथड है वो बहुत पसंद था कि आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप लोगों के साथ जाके रहते हैं और फिर उसके ऊपर आप लिखते हैं। तो उसमें एक नॉन फिक्शन साइड भी था एथनोग्राफी का, और फिर साथ में उसकी थ्योरी और एनालिसिस भी थी। तो ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, तो मुझे 100% श्योर था कि मुझे एंथ्रोपोलॉजी में ही अप्लाई करना है। तो फिर मैंने ढूंढा कि एंथ्रोपोलॉजी में कास्ट और इंडिया के ऊपर कौन लोग काम करते हैं, और तो मुझे एक प्रोफेसर मिल गए कैम्ब्रिज में, गोल्डस्मिथ में मिली, और फिर उनसे मैंने बातचीत शुरू की। तो आपको ये देखना कि आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और वहाँ उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कौन पढ़ा रहे हैं और कहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और लेकिन साथ में क्योंकि इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे होंगे, एक चीज़ जो बहुत एडवांटेजेस होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वर्क एक्सपीरियंस हो उस एरिया में या रिटर्न एक्सपीरियंस हो, मान लीजिए आपने इंडिया में ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम किया हुआ है, या अगर आप कास्ट के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं, आपने कास्ट के ऊपर ही काम किया है, और अगर आपने वो काम किया है उसको और बेहतरीन करने के लिए आपके एप्लीकेशन के लिए, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप एक दो आर्टिकल्स भी उस टॉपिक के ऊपर छपवा दीजिए। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वायर है, स्क्रोल है, बैस्टियन है, द सिटीजन है, और ये सारे लोगों को चाहिए, इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव वो ढूंढते रहते हैं कि लोग जो फील्ड में काम करते हैं वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें इन चीज़ों के ऊपर। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी कुछ आर्टिकल्स पब्लिश कर देंगे, आप अगर फिर आप जब बाहर अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी वाले देखेंगे कि अच्छा इसको ऑलरेडी लिखना आता है इस टॉपिक के ऊपर।
इसने जाके फील्ड वर्क किया है, लोगों से बात की है, और इसने जिसकी वजह से इसके पास पब्लिश्ड मटेरियल ऑलरेडी है, तो आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आप तैयार हैं इस चीज के लिए. और तो और उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए डिपार्टमेंट को लेकर के. जी आपको जेंडर के ऊपर काम करना है, ठीक है, और जेंडर के ऊपर काम करना है, लेकिन आपको एंथ्रोपोलॉजी में करना है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जो मुस्लिम वुमेन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है. एंथ्रोपोलॉजी में वैसे जो मुस्लिम वुमेन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपको एंथ्रोपोलॉजी में नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. तो आप दूसरी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, जैसे जेंडर स्टडीज में देख लीजिए. फिर हो सकता है वहां पे आपको कोई इंडिया से मिल जाए जो जेंडर के ऊपर, मुस्लिम वुमेन के ऊपर काम कर रहा है. क्योंकि आपको दो चीजें देखनी है, एरिया ऑफ टॉपिक आपका कॉमन होना चाहिए सुपरवाइजर के साथ, और साथ में रीजन भी बहुत बहुत जरूरी है. क्योंकि आपको एक साउथ एशियनिस्ट चाहिए उस डिपार्टमेंट में जो आपको सपोर्ट कर सके, जो बता सके इंडिया में चीजें ऐसी होती हैं. दूसरा है चूजिंग अ सुपरवाइजर. ये भी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि यू नो, थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाएं, मान लीजिए मुझे कास्ट के ऊपर काम करना था और कोई मुझे एंथ्रोपोलॉजी में नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं सोशियोलॉजी में देखती. और सोशियोलॉजी में इंडिया में कास्ट के ऊपर काम करते हुए बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो US में भी हैं और UK में भी हैं. और इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर टॉपिक, जैसे मैंने अभी कहा रीजन बहुत जरूरी है. जैसे मैंने अभी एक कॉलेज में लिखा था किसी को एमफिल के टाइम दौरान ही कि मुझे आपका काम बहुत पसंद है और मुझे आपके साथ काम करना है. उन्होंने कहा कि यू नो, आई वुड लाइक टू सपोर्ट यू, बट हमारे डिपार्टमेंट में साउथ एशिया से कोई भी नहीं है जो काम करता है. मैं मुस्लिम वुमेन के ऊपर काम करती हूँ मगर मेरा सारा काम इजिप्ट से है, ठीक है, तो फिर मैं आपको साउथ एशिया या इंडिया के बारे में कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी और उससे आपका ही काम थोड़ा कमजोर हो जाएगा. तो आप ये दूसरे डिपार्टमेंट में देख लीजिए या दूसरे यूनिवर्सिटी में देख लीजिए. और ऐसे आपको बहुत सारे लोगों को लिखना होगा, बस लिखते रहिए. आप ये मत सोचिए कि वो रिप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग मदद करना चाहते हैं. अगर आप यू नो, एक पोलाइट ईमेल भेजेंगे अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताते हुए एक ब्रीफ CV के साथ, लोग मदद करना चाहते हैं, तो वो आपको और फिर आगे डायरेक्ट करेंगे कि मेरे पास नहीं है लेकिन आप इस यूनिवर्सिटी में देख लीजिए. ये तो हाँ, इट्स वेरी सब्जेक्ट स्पेसिफिक. तो ऑफ कोर्स ये अगेन दोबारा यही चीज है कि आपका रीजन और एरिया ऑफ टॉपिक के साथ ये ओवरलैप होने वाला है. तो अगर आपका आपको कास्ट और इंडिया के ऊपर काम करना है, ऑलरेडी आपके ऑप्शंस काफी नैरो डाउन हो जाते हैं. मगर अगर आप श्योर हैं कि मुझे ये एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च ही करना है, यू नो, देन इट बिकम्स, देन इट नैरोज डाउन इवन मोर. सो यू हैव टू सी कि आपकी प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है. आपको एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू ही रिसर्च करना है या आपका प्राइम इंटरेस्ट मुस्लिम वुमेन ही है, तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली भी सोचना पड़ेगा. और सुपरवाइजर के बारे में, अगर आप उस डिपार्टमेंट में किसी और को जानते हैं, आपके कोई सीनियर हैं, कोई एलुमनाई हैं आपके कॉलेज के, अगर आप थोड़ा डिस्क्रीटली और थोड़ा पता कर सकते हैं तो अच्छा होगा. क्योंकि कुछ कुछ सुपरवाइजर्स हैं जो बहुत सपोर्टिव होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो अपने रिसर्च में ही बहुत यू नो ऑक्यूपाइड रहते हैं अपने रिसर्च से, तो वो आपको शायद इतना वक्त नहीं दे पाएंगे या इतना रिसोर्सेज नहीं दे पाएंगे. या क्योंकि आपके सुपरवाइजर जो हैं, इनके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा काफी हद तक, पूरे हद तक नहीं लेकिन काफी हद तक. क्योंकि होता ये है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर भी हर सुपरवाइजर की को कितना से मिलता है, कितना फंडिंग मिलता है, कितना ग्रांट मिलता है, वो सारी चीजें भी अलग अलग हैं. तो मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में बहुत बड़े सुपरवाइजर के साथ काम कर रहे हैं, उनके पास हो सकता है बहुत ज्यादा फंडिंग हो और बहुत ज्यादा ग्रांट हो. तो जब आपकी MPhil खत्म होती है या आपका PhD का 2 साल खत्म होता है या आपकी PhD की फंडिंग खत्म हो रही है, तो अगर आपकी सुपरवाइजर के पास ऑलरेडी बहुत ग्रांट्स हैं और डिपार्टमेंट के अंदर उनका बहुत ज्यादा से है, तो फिर आपकी फंडिंग थोड़ी आसान हो जाएगी. और जब आप जॉब मार्केट में भी ट्रांजिशन करेंगे PhD के बाद, अगर आपके सुपरवाइजर कोई बहुत जाने माने लोग हैं डिपार्टमेंट में और उस फील्ड में, तो आपकी जॉब मार्केट की ट्रांजिशन भी काफी आसान हो सकती है. क्योंकि एकेडेमिया में, जहां तक मेरी समझ है, नेटवर्क का नेटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी है. कई ऐसे जॉब्स हैं जो एडवर्टाइज नहीं होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से ही पता चलेगा, या वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट में डाल देंगे और आपको पता नहीं चलेगा. और ये ज्यादातर बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी होता है.
कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आपके ऐसे कोई सुपरवाइजर हैं जो और भी लोगों को जानते हैं, जो दूसरे कंट्रीज में हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स में हैं, दूसरे यूनिवर्सिटीज में हैं, वो आपके लिए ये चीज बहुत आसान कर सकते हैं। अगर उनको आपको आपका काम पसंद है तो वो आपको बहुत आसानी से जॉब मार्केट में ट्रांजिशन करवा देंगे, आपको अच्छा रिकमेंडेशन लेटर देंगे, दो तीन और लोगों को से रिकमेंडेशन भी वो लिखवा सकते हैं। तो सुपरवाइजर के पास इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा पावर भी होती है। तो ये जो रिश्ता है ये बहुत ही जरूरी रिश्ता है, इसको काफी नर्चर करना पड़ता है और आपका फ्यूचर काफी हद तक इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का सुपरवाइजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। मेरा एक दोस्त है जो US गया था PhD करने, और उसका 2 साल के बाद अपने सुपरवाइजर के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो उसे इंडिया वापस आना पड़ा PhD छोड़ के। लेकिन उसने दोबारा से वही टॉपिक को लेकर के US में अप्लाई किया और इस बार उसका हो गया, उसका एडमिशन भी हो गया और उसको अच्छा सुपरवाइजर भी मिल गया। तो ये जब कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं उसका ये मतलब नहीं है कि आप काम को छोड़ दें या ये सोचें कि मेरा खत्म ही हो गया है या मुझसे नहीं हो पाएगा। बस मुश्किलें आती हैं कई बार, जैसे ये दोस्त का, उसको तो लगा कि अब तो मेरा एकेडेमिया में करियर खत्म ही हो गया, लेकिन उसने दोबारा से अप्लाई किया, दोबारा से उसको फंडिंग मिल गया। तो ऐसी सुपरवाइजर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती रहती हैं, मगर इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। लेकिन ये बहुत जरूरी रिश्ता है, ये आपका करियर बना सकता है। और और तो बाकी जैसे जनरल कॉमन सेंस है कि अब जरा अपनी सुपरवाइजर के बारे में डिपार्टमेंट के बाकी लोगों से इतनी सारी बातें ना करें, शेयर मत करें, क्योंकि एकेडेमिया की जो डिपार्टमेंट्स है वो भी एक छोटी दुनिया है, बहुत कॉम्पिटिटिव दुनिया है, छोटी दुनिया है, बातें इधर से उधर आसानी से हो जाती हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देखिए आप अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए ये काम करूंगी 4 साल 5 साल जिसमें मैं भी सीखूंगी, मैं एक ओरिजिनल रिसर्च भी प्रोड्यूस करूंगी, लेकिन आप मुझे पैसा देंगे उसके लिए, ठीक है। तो वो 5 साल के लिए आपको पैसा दे रहे हैं, तो आपको उनको जस्टिफाई करना है कि आप इसके वर्थ क्यों हैं, वो आपको पैसा क्यों दें, ठीक है। आप में ऐसा क्या है जो बाकी लोग जो उस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं वो उनमें नहीं है, आपकी USP क्या है, मेन सेलिंग पॉइंट क्या है। वो ये हो सकती है कि इंडिया, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है और आपने प्रीवियसली क्या चीज लिखी है, क्या चीज पब्लिश की है, क्योंकि बहुत सारे लोग हर जगह से अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन इंडिया में मान लीजिए जैसे कश्मीर के ऊपर बहुत कम एकेडेमिक्स हैं जिन्होंने काम किया है, और फिर कश्मीर के अंदर भी जैसे अगर जेंडर की एंगल है या कॉन्फ्लिक्ट का एंगल है उसमें भी अगर और थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए तो बहुत कम लोगों ने किया है। तो आपको ये चीज हाईलाइट करना होगा कि मैंने ये एरिया में ये चीज नोटिस की है और मुझे ये और इन्वेस्टिगेट करना है, मुझे ये आगे लेके जाना है। और अगर आप थोड़ा सा, ये जरूरी नहीं है हाँ PhD के लिए तो जरूरी है, MPhil के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा फेमिलियर होना होगा कि लिटरेचर, आपकी एकेडमिक लिटरेचर क्या कह रही है, अभी कटिंग एज कास्ट के रिसर्च में क्या है, क्योंकि PhD का पॉइंट ये है कि आप थोड़ा ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन करें। तो जब आप समझेंगे कि अच्छा कास्ट की बात अभी इस लेवल पे पहुंची है तो आप उसे और आगे लेके जा पाएंगे, आप वो बाउंड्रीज और पुश कर पाएंगे। तो लिटरेचर से फेमिलियर होइए, और ये चीज आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी आना चाहिए ब्रीफली कि मैं ये समझती हूँ कि अभी बात एंथ्रोपोलॉजी में कास्ट के ऊपर बात यहाँ पे अटकी हुई है, लोग एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जब जेंडर के ऊपर आती है चीजें, तो वो लिटरेचर बहुत जरूरी है। और एक्सप्लेन प्रीवियसली, हाँ ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपका प्रीवियस वर्क रिसर्च एक्सपीरियंसेस किस तरह से टाई अप करते हैं, वो आप में अगर पैसे इन्वेस्ट करेंगे आपको दिखाना है कि मैंने पहले इस चीज में काम किया है, सक्सेसफुली किया है, मैंने पब्लिश किया है, आप ये देखिए ये एविडेंस है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ। और अपने डिपार्टमेंट के ऊपर भी रिसर्च करिए कि उस डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हैं, सिर्फ ये नहीं है कि आपके सुपरवाइजर हैं और वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं डिपार्टमेंट से उनसे आप क्या सीख सकते हैं।
कोई और है जो साउथ एशिया के ऊपर में काम कर रहा है, या कोई और है जो मान लीजिए अगर आपको हेल्थ के ऊपर काम करना है, आपको कोई मिल गया जो इंडिया और हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है लेकिन कोई और कंट्री में किसी और प्रोफेसर का हेल्थ के ऊपर रिसर्च है और वो दुनिया भर में जाना जाता है, तो अगर आप ये दिखा सकते हैं आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कि देखिए मैं इस डिपार्टमेंट को भी समझ रही हूँ, कि मैं अपने सिर्फ सुपरवाइजर से नहीं सीखने वाली हूँ, बाकी भी जो लोग हैं मुझे उनसे भी जानना है, यू नो यू हैव टू शो देम कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे जानना है, मुझे समझना है, और वो चीज़ आप में होनी चाहिए अगर आपको एकेडेमिया में रहना है, वो क्यूरियोसिटी बिल्कुल होनी चाहिए, उसके बगैर थोड़ा मुश्किल हो सकता है एकेडेमिया में करियर बनाना, यू नो वो एंथुजियाज्म, वो पैशन। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक भी दिया हुआ है जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देता है, बर्कली यूनिवर्सिटी से मैंने लिया है, मैं ये शेयर कर दूंगी चैट में ये वाली प्रेजेंटेशन, ताकि आप सब फिर बाद में देख पाए। रेफरेंसेस ये भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एकेडेमिया में नेटवर्क का काफी ज्यादा असर पड़ता है, तो एक तो आपको इसको ढूंढना है कि जिसकी काम आप जानते हैं ऑलरेडी, जैसे एग्जाम्पल्स दे चुके हैं हेल्थ के ऊपर हो या कास्ट के ऊपर हो, जेंडर, क्योंकि उनको भी ये जानना है कि आप उनके साथ क्यों काम करेंगे। कोई सुपरवाइजर है, उसको मान लीजिए दुनिया भर से बहुत लोग लिख के बोल रहे हैं कि मुझे आपके साथ काम करना है, या इंडिया से ही 5 या 10 लोग बोल रहे हैं कि मुझे कास्ट और जेंडर के ऊपर काम करना है। अब वो हर 5ों को नहीं ले पाएंगे, वो इंडिया से शायद एक ही को लेंगे, तो वो आपको क्यों लेंगे? आपको अपना काम दिखाना है और आपको ये भी बताना है कि आप उनका काम समझते हैं और आप दोनों एक दूसरे के लिए राइट मैच क्यों हैं। यू नो आई हैव रेड योर वर्क ऑन इंटरकास्ट मैरिजेस इन इंडिया एंड आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट वर्क फॉरवर्ड, और आई एम इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट हाउ इंटरकास्ट मैरिजेस हैव लेड टू वायलेंस इन द कंट्री इन द लास्ट डेकेड। तो उनके काम से आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत क्लोजली मैच करना चाहिए, क्योंकि देखिए सुपरवाइजर आपको इसलिए भी पिक करते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो उनको ये भी जानना है कि अगर आप आगे जाके PhD करेंगी तो उनको भी उससे कोई बेनिफिट मिलेगा, है ना, कि अगर आपकी काम आगे जाके बहुत अच्छी होती है, आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो बोल पाएंगे कि युसरा अहमद ने हमारे साथ काम किया है, या जहरा नकवी ने हमारे साथ काम किया है, या सानिया मरियम ने हमारे साथ काम किया है। अब देखेंगे कई डिपार्टमेंट्स में वो ऐसे लिखते हैं या विकिपीडिया पेजेस में लिखते हैं कि यू नो हैव सुपरवाइज्ड, हैव टॉट, हैव मेंटर्ड, तो उनको भी ये जानना है कि आपके साथ काम करके उनको भी क्या मिल रहा है। वो आपकी मदद करेंगे लेकिन उनको भी किस तरह की मदद मिलेगी, आगे चल के उनको आपसे क्या फायदा होगा। यू नो एकेडेमिया में ऐसा हम लोग को लगता नहीं होना चाहिए, आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन इट्स अ ब्रूटल मार्केट, ये जॉब मार्केट है, तो ये सारी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको उनको जस्टिफाई करना है कि मैं आपका काम समझती हूँ, आगे जाके मैं ये काम करने की सोच रही हूँ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ यू नो शी इज क्लियर अबाउट व्हाट शी वांट्स टू डू एंड इट विल टेक माय वर्क फॉरवर्ड, इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू माय वर्क, क्योंकि वो अपनी एरिया ऑफ रिसर्च, वो ये नहीं चाहते हैं कि वो अलग से टाइम निकालें आपकी एरिया ऑफ रिसर्च के लिए, वो अपनी एरिया ऑफ रिसर्च में काम कर रहे हैं, और अगर आपका ओवरलैप है तो उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है। सॉरी, ये थोड़ा सुपरवाइजर के बारे में था। रेफरेंसेस का जो है, पिक पीपल हु नो योर वर्क वेल। तो जैसे प्रीवियसली अगर आप मान लीजिए जेंडर और कास्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या ह्यूमन राइट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने इस एरिया पे पहले काम कर चुके हैं आप, तो फिर आप अपने प्रीवियस बॉस से कहिए कि आप हमारे लिए एक लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो ठीक से रेफरेंस में दिखा पाएंगे कि आपने क्या क्या किया है, आपने यू नो और आपकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या रही है, तो उन्हें लगेगा, तो बाकी जो लोग पढ़ेंगे उनको भी दिखेगा कि अच्छा ठीक है, ये एक थर्ड पर्सन है, ये एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हमें दे रहे हैं कि इस लड़की ने ऑलरेडी ये काम किया है और उसने ये सारी चीजें सीखी हैं जॉब पे। तो यू नो मान लीजिए, तो अगर इट्स बेटर अगर आपको जेंडर और कास्ट के ऊपर काम करना है और आपके सुपरवाइजर भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं, आपके रेफरेंस भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो बेटर है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन
और अगर आपको लगता है आप श्योर नहीं है कि आपको पॉजिटिव रेफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कई लोग पूछ लेते हैं कि यू नो आर यू विलिंग टू गिव मी पॉजिटिव रिकमेंडेशन और नॉट, अगर जरूरत पड़े आप ये पूछ सकती हैं, बिकॉज यू नो यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट रेफरेंसेज दैट यू कैन. इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कुछ यू नो डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरे बॉस ने कैसा रिकमेंडेशन मुझे दिया है, ठीक दिया है नहीं दिया है. आप पूछ लीजिए अगर आपको कुछ भी शक हो रहा है कि उनको आपके काम से कोई प्रॉब्लम था या कुछ था, कि आप मुझे पॉजिटिव रिकमेंडेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं. और अगर वो कहेंगे कि नहीं दे सकते हैं तो फिर आप किसी और को ढूंढ लीजिए जिसके साथ आपने काम किया है, जिनको आपका काम भी पसंद आया है. जैसे जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मेरा एमफिल था कास्ट और जेंडर के ऊपर, और मेरी रेफरेंस मैंने एक टिस के प्रोफेसर से ली थी जिनके साथ मैंने जेंडर के ऊपर ऑलरेडी काम किया हुआ था, तो वो थोड़ा ओवरलैप था हमारा. तो उससे थोड़ी और मदद हो जाती है, क्योंकि जब मेरी टिस रेफरेंस पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज में, तो उनको लगा होगा कि अच्छा जिन्होंने ये रेफरेंस लिखा है वो एकेडेमिया समझती हैं, वो जानती हैं कि इस लड़की ने इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या रही है, क्या सीखा है, कितना जानती थी जब ये आई थी फील्ड में, और आगे चल के इसने कितना सीख पाई है और क्या पोटेंशियल है. एंड जैसे मैंने ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि नेटवर्क्स बहुत 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 ज़रूरी हैं. ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने अप्लाई किया है बाहर और उनकी रेफरेंस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है. क्योंकि मान लीजिए आप यू नो गोल्डस्मिथ्स में या सोएस में अप्लाई कर रही हैं, और अगर आप किसी को जानती हैं, आपके बॉस या आपके अंडर ग्रेजुएट के सुपरवाइजर या प्रोफेसर, उन्होंने भी सोएस से पढ़ाई की है, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ सकता है. क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा यू नो जिन्होंने ये रेफरेंस लिखा है वो तो हमारे यूनिवर्सिटी से हैं, तो वो हमारी कल्चर समझते हैं, हमारा जो विजन है, मेथड है, वो सारी चीज़ें वो समझते हैं, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया होगा तो सोच समझ के ही दिया होगा. और दूसरा उनको ये भी लगता है कि अगर वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के काम के बारे में जानते हैं, तो वो एक ट्रस्ट की बात भी हो जाती है कि यू नो ये बंदा अगर रिकमेंडेशन दे रहा है तो ये इसको पता है कि ये अपनी रेप्यूटेशन भी लाइन पे डाल रहे हैं आपके लिए. यू नो ये खुद अपने आप से ये रेकमेंड कर रहे हैं कि मैं इस जहरा को या यूसरा को मैं जानता हूँ और इनकी काम अच्छी है, और तो वो अपनी रेप्यूटेशन भी लाइन पे डाल रहे हैं. तो उस तरह से नेटवर्क से भी काफ़ी फर्क पड़ता है. मैं कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने स्ट्रेटेजिकली अपने रेफरेंसेस के बारे में सोचा है, और ये ज़रूरी हो जाता है आज की जॉब मार्केट में. अगर ऐसे नहीं है कनेक्शंस, उससे भी कोई फर्क ऐसा नहीं है कि यू नो आपका एडमिशन नहीं होगा या ऐसा कुछ. बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिना इस तरह के नेटवर्क के जिन्होंने एडमिशन पाई है, क्योंकि उनका काम इतना अच्छा रहा है और उन्होंने वो अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए हैं अपने सुपरवाइजर से. लेकिन इससे फर्क पड़ सकता है. तो अगर आप जैसे टिस में पढ़े हैं या डी यू में पढ़े हैं और आप सोएस में अप्लाई कर रहे हैं, और आप जानते हैं आपके डिपार्टमेंट में से कोई हैं जिन्होंने आपको पहले पढ़ाया है, जो इसी यूनिवर्सिटी से हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप मेरे लिए रिकमेंडेशन लिख पाएंगे. यूनिवर्सिटी सिस्टम, मैंने पहले यहाँ पे डी यू और टिस में पढ़ाई थी, और मुझे लगा कि वहाँ की यूनिवर्सिटी सिस्टम, यूके की यूनिवर्सिटी सिस्टम बहुत रिगरस थी कंपेयर टू डी यू या टिस. बहुत मेथडोलॉजिकली पढ़ाते हैं, बहुत रिगरसली पढ़ाते हैं, बहुत यू नो हार्ड कोर थ्योरी होती है, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, उनका पढ़ाने का सिस्टम ही अलग है. लेकिन अगर आप अपने आप को पूरी तरह से दे दें उस सिस्टम में और उस चीज़ में, बाय द एंड ऑफ दैट ईयर और बाय द एंड ऑफ द पीएचडी, यू हैव अ लॉट टू गेन. क्योंकि इट्स एक्सेस टू रियली गुड रिसोर्सेज, इट इज पीपल हु रियली यू नो हु आर वेरी शार्प व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग क्रिटिकली. तो इट मेक्स अ डिफरेंस. इट रियली आई थिंक आई थॉट इट मतलब कि बहुत ज़्यादा रिगरस कोर्स था, और उससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ कंपेयर टू द इंडियन सिस्टम, जो थोड़ा सा लूज है इन कंपेरिजन. आपके साथ जो पढ़ाई कर रहे होंगे वो
लोग सब बहुत ही यू नो एकेडमिकली ऑलरेडी रिग्रेस होंगे, कंपटीशन काफी स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये दुनिया भर के लोग आ रहे हैं जो इस टॉपिक में या इस डिपार्टमेंट में सबसे अच्छे हैं एक एक तरह से. यू नो उनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, एरिया ऑफ नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत ही शार्प होगी. इट विल बी एट द कटिंग एज ऑफ थिंग्स. सो इट कैन बी अ बिट इंटिमिडेटिंग एट फर्स्ट. और उनके पास जो रिसोर्सेज भी रहे होंगे, मान लीजिए वो यूके में पढ़े हैं, यूएस में पढ़े हैं, उनके पास जिस तरह की रिसोर्सेज होंगी वो काफ़ी अलग होंगी. वो पैदाइशी अंग्रेजी में बात करते हैं, तो जब वो थ्योराइज भी करेंगे उस लेवल पे ही करेंगे. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनके यहाँ सब्सटेंस या कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है. उसका बस यही मतलब है कि कल्चरली वो चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझते हैं, थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उनकी शार्प हो सकती हैं, मगर इट्स नथिंग, घबराने की बात नहीं है. थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो सकता है शुरुआत में, बट इट्स फाइन, इट्स एडजस्टेबल, यू कैन इजीली कैच अप टू देम, और यू माइट इवन बी एज गुड और बेटर व्हेन यू गो, यू नेवर नो. सो इंडियन यूनिवर्सिटीज भी हमारी मॉडल्ड हैं ब्रिटिश सिस्टम के ऊपर, लेकिन काफ़ी फर्क है. जैसे वहाँ पे सेमिनार सिस्टम जो है हमारे, हर सेमेस्टर में हम यू नो वो डिवाइड कर देते क्लास को. जैसे हम 10 स्टूडेंट्स हमें रीडिंग करके आनी होती थी हर हफ्ते, 4-5 रीडिंग्स वो हमें देते थे जो हमें रीडिंग करके आनी होती थी, और फिर उसके ऊपर डिबेट होता था. तो उसका यू नो, सो यू हैड टू डू योर रीडिंग्स, यू हैड टू बी रियली क्विक इन टर्म्स ऑफ योर थिंकिंग स्किल्स, यू हैड टू बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट, एंड यू हैव टू कीप द डिबेट टू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट. You know, objectivity is a very sacred concept in academia everywhere, but in the British system more so. हमारे यहाँ थोड़ा thinking system थोड़ा अलग है in terms of, at least जैसे हमने cultural studies किया था तो program की orientation थोड़ी left थी, you know, थोड़ा सा political था उसका orientation. बाहर जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा. आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह की ओपिनियंस वहाँ आपको सुनने को मिलेंगी. राइट विंग भी ओपिनियंस होंगे, सेंट्रिस्ट भी होंगे, लेफ्ट भी होंगे, और यू नो, एंड इन द स्पिरिट ऑफ अ हेल्दी डिबेट यू हैव टू एंगेज विद ऑल ऑफ देम. एंड सो दैट्स वन थिंग. एंड द अदर थिंग इज यू हैव टू डिस्प्ले large amount of originality and creativity even in the essays that you write in your prep work for your MPhil or even working up to your PhD, because it's no longer about jaise DU mein exams hote the ki aapne kuch you know undergrad mein pad liya aur phir jaake exam mein wahi cheez likh di, aapki originality ya creativity wo nahi dekhte the, lekin yahan pe unko dekhna hai original research kis tarah se kar sakte hain, aapko kya cheez bolni hai jo nahi hai. So you have to be as creative as possible in connecting ideas, in bringing in things from your field experiences that others can relate to. Or secondly, क्योंकि आप अगर इंडिया से जा रहे हैं, मान लीजिए मैं DU में बात कर रही थी कास्ट के बारे में, मैं आसानी से बात कर सकती हूँ, मुझे कॉन्टेक्स्ट समझाना नहीं पड़ेगा. लेकिन वहाँ पे यूके में कई बार मैं कुछ ऐसी चीजें बोल रही थी जो जैसे बीफ को लेकर के, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो इसकी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हम सब समझते हैं, लेकिन अगर यूके में ऑल ऑफ अ सडन मैं इस चीज के बारे में बात करती हूँ लोग नहीं समझते हैं. वो कह रहे हैं व्हाई यू टॉकिंग अबाउट फूड सो मच, लाइक व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, यू नो इसकी अहमियत क्या है. तो आपको कॉन्टेक्स्ट हमेशा समझाना पड़ता है, जो थोड़ा अनफेयर है क्योंकि हम यूके के बारे में यूएस के बारे में ज्यादा जानते हैं और समझते हैं, तो उन्हें कॉन्टेक्स्ट इतना समझाना नहीं पड़ता है हमको, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट बार बार समझाना पड़ता है. तो आप किस तरह से अपने आइडियाज और ओपिनियंस आगे रखते हैं ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर लोगों को लगेगा अच्छा ये यू नो देयर इज नो सब्सटेंस टू दिस आइडिया, या इस आइडिया की कोई अहमियत नहीं है. तो आपको उनको समझाना पड़ेगा ये जानते हुए कि उनको जीरो नॉलेज है, बैकग्राउंड नॉलेज कुछ नहीं है. और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करें US में तो फिर ये 7 साल का प्रोग्राम होगा. मोस्ट पीपल आई नो अगर वो इंडिया से जाते हैं उनको 2 साल की मास्टर्स करनी होती है और फिर उनको ट्रांजिशन किया जाता है PhD के लिए, तो ये आपकी जिंदगी के 7 साल चले जाएंगे. तो आपको सोचना है कि यू नो बाकी आपकी जो डिमांड्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सारी चीजों को सोच करके आप अप्लाई करिए. कई लोग कहते हैं कि US की सिस्टम ज्यादा रिग्रेस है,
क्योंकि आप 7 साल के लिए एक चीज को बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ते हैं, और यूके में लेकिन आप 3 से 4 साल में पॉसिबल है खत्म करना, बहुत कम लोग खत्म करते हैं। यूके में ज्यादातर लोग 5 साल लेते हैं खत्म करने के लिए। तो ये यूएस और यूके का ये मेन फर्क है, 7 साल और 3+ years। और दूसरा ये है कि यूएस में काफी यूनिवर्सिटीज में क्रिटिकल रेस थ्योरी काफी इट्स पार्ट ऑफ द करिकुलम, काफी इम्पोर्टेंट है, इट्स प्रोमिनेंट। यूके में हर जगह ऐसे नहीं है। यूके में इट्स वेरी फोकस्ड ऑन द कोर्स, तो जेंडर, रेस, क्लास, इन सब चीजों के बारे में इतना बातचीत नहीं होगा अगर आप स्टेम साइंसेज ले रहे हैं या आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो होंगी ये सारी चीजों के बारे में बातचीत, या जेंडर में भी होगा। लेकिन यूएस में क्रिटिकल रेस थ्योरी कैंपस में आपको हर जगह दिखेगा, पीपल रेसिज्म, जेंडर, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा खुल के बात करते हैं कैंपसेस में। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप यूएस में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इतना इनडेप्थ है, 7 years है, इसकी फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने ऐसा कहा है, एक दो लोगों ने कहा है कि अगर आप यूके में करते हैं, आपका 5 साल का ही PhD होता है, तो हो सकता है आपको यूएस में आगे पढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज इतना नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो प्रिफर करेंगे किसी को जिसने 7 साल दिया है एक चीज पढ़ने में, तो उनका ज्यादा इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगा। और हो सकता है कुछ जगह ये क्राइटेरिया हो, मगर ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि यूके में लोगों ने जो PhD की है, अगर उनकी PhD बहुत अच्छी होती है तो वो US सिस्टम में भी जा सकते हैं। तो यू नो, इट इज पॉसिबल टू मेक दैट ट्रांजिशन, बट योर वर्क हैज टू बी रियली वेरी वेरी गुड। तो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप US सिस्टम में, आप UK सिस्टम में आसानी से आ सकते हैं, लेकिन UK सिस्टम से US सिस्टम में जाने में हो सकता है आपको थोड़ा और अपने आप को प्रूव करना पड़े। और विद इन द UK और US भी बहुत फर्क पड़ेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अगर आप SOAS में हैं कंपेयर टू से एन ऑक्सफोर्ड, तो वो दोनों सिस्टम्स काफी अलग हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड बहुत पुराना है, ट्रेडिशनल है, वो इतना पॉलिटिकल नहीं है। उनका एम है कि बस नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, ठीक है, और वो भी एक नोबल एम है, एक क्रिएटिव एम है। लेकिन SOAS में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सोशल जस्टिस एलिमेंट टू इट, यू नो, दे मेक श्योर दे टेक इन अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आपको आप जैसे लोग और भी आसानी से SOAS में मिल जाएंगे। इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे विजिबली मुस्लिम वुमेन भी होते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड में शायद कम लोग ऐसे मिलेंगे। और ऑक्सफोर्ड इतना पॉलिटिकल नहीं है, उनके डिपार्टमेंट्स की एम सोशल जस्टिस नहीं है, उनका एम है रिगरस हार्डकोर टेक्निकल रिसर्च। लेकिन SOAS में आपको वो रिसर्च मिलेगा जो कि पॉलिटिकल ही होगा, उनका एम ही है कि हमें दुनिया समझना है बदलने के लिए। तो इस चीज से काफी फर्क पड़ सकता है आपकी यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस में, यू नो, क्योंकि हो सकता है ऑक्सफोर्ड में आपको बहुत सारे लोग या आपके क्लास में उनको रेसिज्म के बारे में समझना ही नहीं है या बातचीत नहीं करना है इस बारे में, जेंडर से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये फर्क एक इट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू योर एवरीडे लाइफ इन द यूनिवर्सिटी, बट व्हाट यू वांट टू चूज इज अप टू यू। देखिए, SOAS में आपको एवरीडे लाइफ इन द यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा मिल जाएगा, रिगरस एकेडमिक रिसर्च भी मिल जाएगा, दोनों चीजें साथ में मिलेंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छी है और SOAS की इंग्लिश लिटरेचर इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपका ओरिएंटेशन, यू नो, पोस्ट कॉलोनियल इंग्लिश लिटरेचर होगा जिसमें एक सोशल जस्टिस एलिमेंट भी होगा और आपके आसपास लोग भी हैं जो इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, जो पॉलिटिकल हैं, या आपको फिर प्योरली टेक्निकल ऑब्जेक्टिव रिसर्च करना है जिसमें आपको 5 साल, यू नो, पॉलिटिकल शायद बातें ज्यादा नहीं मिलेंगी, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको कैंपस में, या आपके सुपरवाइजर्स बहुत कम इन चीजों से एंगेज करना चाहेंगे, लेकिन आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ट्रेनिंग मिल जाएगी जो आप आगे लेकर के उससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये आपको समझना है, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनकी विजन क्या है, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है,
उनका कल्चर क्या है, कितने फ्रेंडली हैं वो, कितने एक्सेप्टिंग होंगे वो, इन चीजों को भी. कल्चरल डिफरेंसेस तो ओके, नॉर्मल जो चीजें होती हैं जैसे फूड को लेकर के, वेदर, सोशल लाइफ, ये सारी चीजें बहुत अलग होंगी. थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट करने में, समझने में, लेकिन इट्स नॉट दैट बिग अ डील. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यू नो थोड़ा सेंस ऑफ एलियनेशन होता है कि इतनी सारी चीजें अगर अचानक बदल जाती हैं. बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बाहर गए हैं, मुझे भी लगा थोड़े टाइम के लिए कि यू नो हाउ डू आई एडजस्ट टू दिस सिस्टम, सब इतना अलग है. तो थोड़ा टाइम लगता है, एक दो महीने लग जाएंगे कुछ लोगों को, थोड़ा ज्यादा लोग ज्यादा टाइम लग जाएगा. और अगर आप विजिबली मुस्लिम हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग पहले मुस्लिम से मिले ना हो. एटलीस्ट यूके में, कैम्ब्रिज में बहुत लोग सरप्राइज थे कि अच्छा तुम मुस्लिम भी हो और तुम इंडिया से भी हो. और यू नो व्हेन दे रियलाइज यू आर मुस्लिम, समटाइम्स दे आर अ बिट सरप्राइज्ड एज वेल कि अच्छा लाइक हाउ इज दिस हैपनिंग, बिकॉज दे हैव एन आइडिया ऑफ यू नो व्हाट यू शुड बी एज अ मुस्लिम वुमन. And if they can't put you in a box, it's very disorienting for them. So you also have to keep that in mind ki bahut sare log honge jinke idea jinko jo judgmental honge, jinke dimag mein stereotypes hongi, aur bahut sare aise bhi log honge jinme ye cheeze bilkul nahi hongi, jo stereotypes nahi honge unke dimag mein, jo judgmental nahi honge. So you have to be careful about who you surround yourself with. You know, if you're doing your PhD there for 5 years, you don't want to be around people who आपको कहेंगे कि आप यही हैं, या you know this is how much you can aspire or this is what you're supposed to be. You want to be around people who will allow you to grow. And so ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये identity की चीज बार बार उठ के आ सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए आती है कि अचानक आप इतने विजिबल हो जाते हैं, आपकी स्किन कलर इतनी विजिबल हो जाती है अचानक, ऊपर से रिलीजन भी एक फैक्टर आ जाता है. सो यू माइट यू नो जस्ट बी अवेयर ऑफ इट, इट डजंट हैव टू बी अ डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, बट दीज थिंग्स मैटर. देयर विल बी मेनी पीपल फॉर होम यू नो इट विल बी सरप्राइजिंग दैट यू आर अ मुस्लिम फ्रॉम इंडिया, और that you're pursuing a PhD या जो भी उनके ideas हैं, but just take it in your stride, you know, don't let it get to you. And and although people might come from like say if you are in SOAS or you know जो बहुत international background से आएंगे, जो हमेशा अलग अलग जगह में रहे हैं, उनकी exposure ही हमेशा से international रही है, so ठीक है उनके वो advantages हैं, मगर आपका going from India, you have your own advantages. You are multilingual, you are extremely familiar with your field, you can go and work anywhere on the field in India, and you bring in a very unique perspective. जरूरी नहीं है कि हर बार सबके साथ शेयर करें, just be careful about who you share it with and when you share it. Like you know, for example, in some cases in Oxford, I'll share a link. But people are not willing, even in Cambridge to an extent, kuch departments mein people are not willing to talk about things like racism. So it can, you know, so you have to be very careful about where you share it, who you share it with, because they don't want to talk about identity politics. Unko lagta hai ki gandi cheez hai wahan pe. Sare universities mein nahi, lekin Oxford, Cambridge mein ya aise aur bhi universities ho sakte hain, bahut jagah lagta hai identity politics ek gandi cheez hai aur isse hamara koi lena dena nahi hona chahiye. सो आपको माहौल देखना होगा, किस तरह के लोग हैं आपके सेमिनार्स में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके सुपरवाइजर्स, और उस हिसाब से भी थोड़ा स्ट्रेटेजिकली केयरफुल रह के आपको क्या चीजें शेयर करनी है. नहीं कि इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे, आपके सुपरवाइजर्स आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके कॉलीग्स, आपके पियर्स. सो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल. आई एम नॉट सेइंग डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, बिलीव इन देम. But find the right forums for expressing them, because you know people will judge you, and so you have to be careful about where you show your political opinions. So like I said, it can be a bit of an alienating experience. People around you might not be aware of or be willing to talk about racism, cultural differences, etc. But it really helps to talk about these things.
So you have to find resources online, read books, find clubs or societies. Jaise Cambridge mein, there was a small society. I wasn't a part of it very often, but it was called FLY and it was for women of color. So jaise black women hai, Asian women hai, you know, Palestinian women, African women, everyone would get together once a month or something and just talk about what was going on in life or if they needed any emotional support or if they had faced some racism. तो इससे भी फर्क पड़ता है ये जान के कि ठीक है और भी लोग हैं आप जिनसे बातचीत कर सकते हैं एंड इट डजंट हैव टू बी अ पॉलिटिकल फोरम थ्रू विच यू फाइंड इट यू नो वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सेज ऑफ सपोर्ट या वाज जस्ट माय फ्रेंड वी वर फ्रेंड्स बट वी कुड आल्सो टॉक अबाउट दीज थिंग्स सो बट इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट समटाइम्स टू बिकॉज एट द बिगनिंग इट्स अ वेरी एलिनेटिंग एक्सपीरियंस तो अगर और भी लोग हैं जिनको भी ये सारी चीजें महसूस हो रही हैं अगर आप आपस में ये चीज शेयर कर सकते हैं तो थोड़ा एलिनेशन कम हो जाता है कि ठीक है मैं ही नहीं हूँ जो ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ बाकी लोग भी हैं हु आल्सो फीलिंग दिस वे यहाँ पे एक लिंक दिया है मैंने दिस इज कॉल्ड बाय समवन कॉल्ड द ब्राउन हिजाबी उनका नाम सुमैया मंसूर खान है और ये यूके से ही है लेकिन ये बहुत विजिबली मुस्लिम है ये और इन्होंने अपनी कैम्ब्रिज की जो एक्सपीरियंस है उसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है इस वेबसाइट में और ये कैम्ब्रिज के बाद फिर सोएस गई थी पढ़ने और इन्होंने दोनों जगह को कंपेयर किया है कि दोनों की उनकी एक्सपीरियंस सोएस में क्या रही है और कैम्ब्रिज में क्या रही है और दोनों यूनिवर्सिटीज में क्या फर्क रहे हैं और उन्होंने किस तरह से एडजस्ट की तो ये बहुत वोकल है यू नो शी डजंट थिंक अबाउट कहाँ पे क्या बोलना है ये हर जगह अपनी पॉइंट रख देती हैं बिकॉज दैट्स हर मेन वर्क शी इज एन एक्टिविस्ट और इसके वजह से कोई कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं इनके लिए या नहीं हुए हैं ये मुझे नहीं पता लेकिन ऐसे मैं जानती हूँ कि कैम्ब्रिज में जैसे ऑक्सफोर्ड में बहुत सारी सुपरवाइजर्स अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप ये सारी चीजों के बारे में इतना ज्यादा खुल के बात मत किया करिए यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं है ये आपका यू नो थोड़ा मुश्किल कर सकते हैं काम तो सुमैया का इन सब चीजों के बात करने के वजह से शायद बैकलैश भी उसने फेस किया होगा अपने कॉलीग से पियर्स से डिपार्टमेंट से मुझे डिटेल में नहीं पता लेकिन उसने अपनी एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट किए हैं आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं दूसरा पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन आप यू नो ट्राई फाइंडिंग अदर वेज ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल जरूरी नहीं है कि आप लोगों से यू नो पॉलिटिकल चीजों के ऊपर ही कनेक्ट करें जैसे क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या बुक क्लब्स में इंटरेस्टेड हैं अगर आप उन चीजों के लिए जाएंगे देन यू विल हैव समथिंग इन कॉमन टू टॉक अबाउट एंड इट्स नॉट नेसेसरी देन दैट कॉमन थिंग विल बी यू नो जस्ट बेस्ड ऑन बॉन्डिंग की अच्छा हम दोनों इंडिया से हैं या हम दोनों को रेसिज्म लग रहा है इट विल अलाउ यू टू फॉरगेट दैट फॉर अ वाइल एंड कनेक्ट विद पीपल हु कम फ्रॉम वास्टली डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस यू नो वो लोग हो सकता है थोड़ा जजमेंटल होंगे आपके बारे में यू नो वो अच्छा इंडिया में ऐसा भी होता है मुझे नहीं पता था वो सारी चीजें होंगी थोड़ी बहुत मगर आप थोड़ा ब्रश ऑफ कर दीजिए बिकॉज यू नो इफ यू आर गोइंग अब्रॉड मेक द मोस्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस मीट पीपल फ्रॉम एवरीवेयर एवरीवन हैज समथिंग टू टीच यू एंड इट विल ओनली मेक योर एक्सपीरियंस कल्चरली रिच by talking to people from other you know backgrounds hanging out with them aur agar wo experience bura bhi hota hai usse kuch na kuch seekhne ko aapko mil jata hai you know ki acha like you know this is what this feels like this is what racism feels like you can learn from it so try and also reach out to other people even if they seem hesitant at first try and find activities and things like that over which you can connect with people from vastly different backgrounds from yours and So yeah, you know, and being visibly Muslim will make you stand out. I can't talk a lot about that because, you know, I'm not visibly Muslim. Sometimes even by my name, Shazia, people in the UK didn't really know if I was Muslim or if I was just Hindu. They would keep coming to me and talking about how much they love Diwali. So, but you will stand out. But it really depends, a lot depends upon how you carry yourself. People will say things koi bol raha hai ki you know acha tum india se ho everyone's going to think you're very poor you come from a poor country someone is saying ki you know oh we think indians are very immature or someone saying so people will have all kinds of ideas just block it out do not let it get to you
it might take you a while to establish yourself in class in terms of getting people to take your opinions seriously, but keep at it. ठीक है, वो इतना आपके ओपिनियन को यू नो सीरियसली नहीं ले रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता. यू जस्ट कीप एट इट, यू नो व्हाट यू आर गोइंग फॉर, व्हाट यू आर आफ्टर, आपका एम क्या है. तो लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, कितना जगह दे रहे हैं, सुन नहीं सुन रहे हैं, आप वो सब भूल जाइए. यू नो बिकॉज इफ यू आर विजिबली मुस्लिम यू विल स्टैंड आउट, नो डाउट अबाउट इट. आई मीन आई डोंट हैव दैट, आई कुड बी रॉन्ग, आई एम साउंडिंग सो कन्विंस्ड अबाउट इट, बट आई जस्ट आई फील लाइक you know that's a possibility, so just don't not let it get to you, you know what you are there for. Aur agar aap us cheez mein zyada ghus jayenge to phir wo aapki you know it'll distract you to a large extent. I know many people like that, jo you know us cheez mein itna ghus jate hain ki phir wo ek unke liye wo apna phd में इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, इतना एफर्ट नहीं दे पाते हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट दीज अदर थिंग्स विच आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, दे हैव टू मेक सेंस ऑफ इट, बट यू हैव टू कीप इट इन पर्सपेक्टिव. ऑल्सो आपके डिपार्टमेंट को भी ये लगना चाहिए कि, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कुछ यू नो केस ऑफ हैरेसमेंट होता है या कुछ बड़ा होता है, देन ऑफकोर्स यू हैव टू ब्रिंग इट टू पीपल्स नोटिस. And you have to take care of yourself. You have to reach out to the right authorities. But largely, उनको ये भी जानना है कि आप cultural fit हैं या नहीं. You know, they need to know कि अच्छा, this is Rizwana या Hiba या Tuba. ये लोग यहाँ पे आके fit in हो सकते हैं. अगर हम इनको और opportunities देंगे, PhD के बाद postdoc देंगे या कुछ देंगे, ये यहाँ पे fit कर सकते हैं. They are strong enough, emotionally strong enough. To fit into this culture. Agar racism hoga ya gender related koi discrimination hoga, they know how to sustain themselves and stay here. So you also have to make sure you know come across as someone who's well adjusted to the system. I'm very sorry to say this, but I feel like it's important. However, make sure that it's healthy for you, because you know in Cambridge and Oxford there were many people for whom it took a toll on them mentally. I mean, not, I'm not talking about Muslim women here, but generally like people who came from other backgrounds, people of color, women of color, it can take a toll on your mental health. So you also have to be careful as to how much you're willing to put yourself through, you know, like for example, for me, I realized what the university system was all about and I made a choice ki mujhe UK mein abhi rehna hai ya wapas India jana hai, aur maine decide kiya ki I'm not that keen on pursuing academia because mujhe system ek tarah se samajh mein aaya and I didn't think my personality was a fit for it. But there are also many people who decided they were a really good fit for academia and they went there, they've just finished their PhD. I know someone from Aligarh, Asia Islam, who just finished her sociology PhD from Cambridge and now she's pursuing a postdoctoral research there. Her work was really good. She adjusted well to the system. So she's really thriving there. She went from Aligarh. She did her PhD. Now she's doing her postgrad. So there are all of these success stories as well. You just have to look for them. You know, it is very much possible to fit in. Funding. Funding ke teen main sources hote hain. Aapki university aur aapka department. Ye do alag alag hote hain. Ek university level funding hoti hai. जो सबके लिए, कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी अप्लाई कर सकता है. एक डिपार्टमेंट लेवल फंडिंग होती है जो सिर्फ आपका डिपार्टमेंट, मान लीजिए 10 पीएचडी स्टूडेंट का अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से कुछ के लिए रखते हैं. तो आपको ये थोड़ा पता करना होगा अपने डिपार्टमेंट वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से, और लिखना भी होगा बहुत सारे लोगों को, जैसे डिपार्टमेंट के आपके एडमिन हैं या फाइनेंस का कोई मिल जाता है, या आपके सुपरवाइजर अगर वो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपके काम में, आप उनसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं फंडिंग के बारे में. और इसके लिए आपको फंडिंग के लिए 100 या 60 या 50 ईमेल्स बाहर भेजने पड़ेंगे. बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, बहुत सारे रिजेक्शन आने वाले हैं. रिजेक्शन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम, जस्ट एक्सेप्ट इट. ओके, बहुत सारे जगह से रिजेक्शन आएंगी फंडिंग के लिए, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, यू जस्ट कीप अप्लाइंग. एंड फिर प्राइवेट पार्टीज इंडिया में काफी हैं आजकल, इन लैक्स है. देयर इज अ गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप,
तो ये आपको ऑनलाइन रिसर्च करना होगा। मैंने भी जाने के पहले बहुत ऑनलाइन रिसर्च किया था और फिर चीजें निकलती रहती हैं। डेट्स बहुत जरूरी हैं इस चीज के लिए। अगर आप कैम्ब्रिज में अप्लाई कर रहे हैं, आपकी गेट्स कैम्ब्रिज की शायद डेडलाइन सितंबर या अक्टूबर है, इनलैक्स की डेडलाइन जुलाई थोड़ा लेट तक है, कॉमनवेल्थ की डेडलाइन शायद फेब या मार्च है। तो आप रिसर्च करते रहिए, हर महीने आप गूगल करिए, कोई ना कोई नया स्कॉलरशिप आता है। और सो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली एट इट। स्कॉलरशिप और फंडिंग के लिए आपको बार बार रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा कहाँ से क्या निकल रहा है। पैसे हैं, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर इट्स द राइट टाइम व्हेन यू अप्लाई, यू नो, बिकॉज फंडिंग का डेडलाइन बहुत आगे होता है। सो यू हैव टू प्लान इट स्ट्रेटेजिकली। अगर आप ठीक टाइम पे अप्लाई करेंगे, आपका अगर स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, आपको फंडिंग मिल सकता है। यू नो, एनीवन कैन गेट फंडिंग। सो इट इज वेरी इजी टू गेट फंडिंग नाउ इफ यू हैव गुड वर्क बिहाइंड यू। इट इज जस्ट अबाउट द टाइमिंग। और गवर्नमेंट के भी काफी स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं। कॉमनवेल्थ एक जाना माना है जिसकी फंडिंग की डेडलाइन शायद फेब्रुअरी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं। तो आपको ये बार बार रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा फंडिंग का। आपके प्रीवियस सुपरवाइजर्स को लिखिए, आपके जो एलुमनाई हैं आपके कॉलेज के जो बाहर गए हैं पढ़ने, उनको लिखिए, जान पहचान के जो भी लोग हैं आप उनसे लिख के पूछिए। हर तरह आप जहाँ पे अपना नेट, यू नो, यू कैन सॉर्ट ऑफ थ्रो योर नेट आउट एंड ट्राई टू फिगर आउट अबाउट फंडिंग, प्लीज डू, आपको पैसे मिल सकते हैं। चेंज नाउ, यू नो, पहले होता था कि 20 साल पहले सिर्फ इंडिया के कुछ लोग कुछ फैमिलीज से जाते थे बाहर पढ़ने, वो चीज बदल गई है अभी। लिबरलाइजेशन से बहुत बुरी चीजें भी हुई है इस कंट्री में, लेकिन एक चीज ये हुआ है कि बहुत लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए और हर बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं। यू नो, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई एम फ्रॉम कटक, फ्रॉम ओडिशा, देयर आर पीपल फ्रॉम रूरल, फ्रॉम स्मॉल टाउन्स इन महाराष्ट्र, हर जगह से लोग जा रहे हैं। सो इट इज पॉसिबल, लाइक यू कैन, एवरीवन कैन ड्रीम ऑफ गोइंग अब्रॉड एंड थिंकिंग ऑफ डूइंग और यू नो गेटिंग अ डिग्री फ्रॉम अब्रॉड। इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड बट यू जस्ट हैव टू ट्राई रियली हार्ड एंड या सो जस्ट कीप एट इट। But that's what